हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। तो आज हम कराने जा रहे हैं आपकी पुस्तक तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाय अमित पब्लिशिंग हाउस से कौन सा पाठ, पाठ दो, जिसका शीर्षक है गुब्बारे वाला। क्या गुब्बारों का प्रयोग प्रतिदिन किया जाता है? जी नहीं, गुब्बारों का प्रयोग प्रतिदिन नहीं करते, इनका प्रयोग किसी विशेष अवसरों पर किया जाता है। और गुब्बारे का प्रयोग कौन कौन से प्रमुख उत्सवों, त्योहारों या अन्य दिनों पर किया जाता है? गुब्बारों का प्रयोग जैसे कि किसी की वर्षगांठ, किसी का जन्मदिन या कोई विवाह की जो कुछ एनिवर्सरी होती है, इवन हम किसी स्वतंत्रता दिवस पर भी जब हम स्कूल में कुछ सजाते हैं या स्कूल के किसी स्वागत समारोह में भी, स्कूल के फंक्शंस होते हैं, उसमें भी हम गुब्बारों का प्रयोग करते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार किसी गरीब व असहाय की मदद करना ही सच्चे अर्थों में मानवता कहलाती है। कार से उतरे व्यक्ति ने गरीब बूढ़े की गुब्बारे खरीदकर मदद कर यह दर्शाया कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने से ही मिलता है। अब शुरू करते हैं। आसमान में सूरज दोपहर के समय मानो आग बरसा रहा था। कड़कड़ाती धूप में एक गुब्बारे वाला जो काफ़ी कमज़ोर व बूढ़ा था, गरीबी में इस उम्र में भी आराम कहाँ, यह सोचकर उसने एक लकड़ी के डंडे में कुछ रंग बिरंगे गुब्बारे बांधे। वह बार बार आवाज़ लगा रहा था, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। गर्मी से बेहाल, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी से उसका बुरा हाल हो रहा था। घूमते घूमते वह थक गया। ये देखो, इतनी तेज़ सूरज निकला, धूप है और ये गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है ना, थक गया। सड़क पर भी बहुत कम लोगों का आना जाना था। वह सड़क के किनारे खड़ा हो गया, पर अभी तक उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका था। वह आते जाते लोगों की तरफ आशा भरी नज़रों से देखता, परंतु सभी उसके पास से गुजर जाते। मतलब बार बार देख रहा था शायद कोई मेरे से गुब्बारा ले ले, लेकिन सब लोग निकलते जा रहे थे। धीरे धीरे सांझ हो गई, सांझ मतलब संध्या यानी कि शाम हो गई, लेकिन वह बूढ़ा गुब्बारे वाला गुब्बारे लिए ऐसे ही खड़ा रहा। वह खड़े खड़े थक चुका था, पसीने में लथपथ वह फिर भी आवाज़ दे रहा था, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। बच्चों के मन को भाने वाले लाल, पीले, नीले, हरे, गुलाबी, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। इतना परिश्रम करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी किसी ने उससे एक भी गुब्बारा नहीं खरीदा। बूढ़े का मन दुखी हो गया। तभी बूढ़े को दूर से एक कार आती दिखाई दी। कार पास आते ही वह फिर से चिल्लाया, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे, बच्चों के प्यारे प्यारे गुब्बारे। वो चाह रहा था मेरा कोई तो कुछ तो बिक जाए, वो फिर से बोल रहा था जोर जोर से। कुछ दूर जाकर कार रुक गई। कार गुब्बारे वाला बड़ी उम्मीद के साथ कार की तरफ बढ़ा। कार चलाने वाले आदमी ने पूछा, बाबा आप इस उम्र में भी इतनी मेहनत क्यों करते हो? गुब्बारे वाले ने कहा, बाबूजी मेहनत नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे? पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। मैं गुब्बारे बेचकर ही अपना जीवन यापन करता हूँ। वह आदमी अपनी कार से उतरकर नीचे आ गया। उसने बड़े प्यार भरे स्वर में बूढ़े ने से पूछा, बाबा आज कितने के गुब्बारे बेचे आपने? गुब्बारे वाला बहुत निराशा भाव से, मतलब बहुत ही दुखी पर उदास होकर बोला, आज तो एक भी गुब्बारा नहीं बेच पाया हूँ, आप ही कुछ ले लीजिए। आपके बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर बहुत खुश होंगे, बोलिए कौन सा दूँ? यह कहकर गुब्बारे वाले ने गुब्बारा तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। वह आदमी बोला, ठहरो बाबा, ये बताओ ये सारे गुब्बारे कितने के हैं? गुब्बारे वाले का बढ़ता हुआ हाथ रुक गया। अपना पसीना पोंछते हुए उसने कहा, बाबूजी ये सारे गुब्बारे 5 रुपए के हैं। ठीक है, तुम ये सारे गुब्बारे हमें दे दो, उस आदमी ने कहा। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन जेब बिल्कुल खाली थी। गुब्बारे वाला उस आदमी को आश्चर्य से देखने लगा। यह देखकर कार में बैठे दूसरे आदमी को हंसी आ गई। तब वह आदमी बोला, ठीक है भाई, तुम भी हंस लो,
मैं जल्दी में बटुआ घर भूल आया हूँ। अब ऐसा करो, जल्दी से 20 रुपये निकालो। उस आदमी ने चुपचाप 20 रुपये निकाले और बूढ़े को दे दिए। बूढ़े ने कहा, बूढ़े गुब्बारे वाले ने कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं बाबूजी, मैं आपको 15 रुपये कहाँ से लौटाऊँ। तब वे आदमी बोला, बाबा तुम्हें पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये सारे पैसे रख लो। ये देखो, ये गुब्बारे वाला है और ये वो आदमी है जो कार से उतरकर गुब्बारे खरीद रहा है, जिसके पास गुब्बारे के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने कार वाले आदमी से बोला, तुम 20 रुपये दो, मैं सारे गुब्बारे खरीद रहा हूँ। गुब्बारे वाला कहने लगा, बाबूजी आपका और आपके परिवार का भला हो। कार में बैठे दूसरे आदमी ने पूछा, तुम इन गुब्बारों का क्या करोगे जवाहरलाल। मैं इन्हें बच्चों में बांट दूंगा, गुब्बारे पाकर वे बहुत खुश होंगे। गुब्बारे खरीदने वाला व्यक्ति बोला, प्यारे बच्चों, ये कार वाले आदमी और कोई नहीं, यह हमारे प्रिय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये कौन थे? प्रिय पंडित हमारे, जिन्हें चाचा नेहरू बोलते हैं ना, तो ये वो थे जो आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। और बच्चे ने प्यार से क्या बोलते थे? चाचा नेहरू कहकर बच्चे ने पुकारते थे। तो ये गुब्बारे वाले कौन थे? ये चाचा नेहरू थे। अच्छा लगा ना पाठ? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अब हम कर रहे हैं कठिन शब्द। गुब्बारे वाला, रुपए, कमज़ोर, बटुआ, दुखी, 15, सांझ, प्रथम, प्यार और स्वतंत्र। सांझ का अर्थ है शाम, प्रथम का अर्थ है पहला, उम्र का अर्थ है आयु, स्वतंत्र का अर्थ है आज़ाद, आश्चर्य का अर्थ है हैरानी और बेहाल मतलब अत्यधिक बुरा हाल। और अब हम करने जा रहे हैं, कुछ पूछेंगे हम से। बूढ़ा व्यक्ति क्या बेचने के लिए आवाज़ लगा रहा था? बूढ़ा व्यक्ति गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे वाले के पास किस रंग के गुब्बारे थे? उसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे थे, लाल, हरा, नीला, पीला, गुलाबी। बूढ़ा थककर कहाँ खड़ा हो गया? बूढ़ा व्यक्ति थककर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। बूढ़ा किन निगाहों से सड़क पर लोगों को आते जाते देखता और क्यों? बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आशा भरी नज़रों से दूसरों को देख रहा था कि शायद, क्यों कि शायद वो मेरे से कुछ गुब्बारा खरीद लें। सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। कार में बैठे व्यक्ति को हंसी आ गई, कार में बैठे व्यक्ति बैठे दूसरे आदमी को हंसी आ गई, उदासी आ गई, रोना आ गया या नींद आ गई? कार में बैठे दूसरे व्यक्ति को, आदमी को हंसी आ गई। बूढ़े गुब्बारे वाले ने सारे गुब्बारे दे दिए। कार से उतरे आदमी को, सड़क पर चलते लोगों को, खेलते बच्चों को या मांगने वालों को? कार, बूढ़े गुब्बारे वाले ने सारे गुब्बारे कार से उतरे आदमी को दे दिए थे। बूढ़ा गुब्बारे वाला क्या था? आलसी था, मेहनती था, स्वस्थ था या अस्वस्थ था? बूढ़ा गुब्बारे वाला जो था वो मेहनती था। बूढ़ा व्यक्ति क्या बेच रहा था? खिलौने, गुब्बारे, टॉफियां या पानी? बूढ़ा व्यक्ति गुब्बारे बेच रहा था, तो मैंने गुब्बारे के आगे सही का निशान लगा दिया। कार वाले आदमी ने गुब्बारे वाले को कितने पैसे दिए? 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये या 50 रुपये? कार वाले आदमी ने गुब्बारे वाले को 20 रुपये दिए। और अब है हमें क्या करना है? हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बूढ़ा गुब्बारे वाला शरीर से बहुत क्या था? शरीर से बहुत बूढ़ा था। मैं जल्दी में क्या भूल आया हूँ? मैं जल्दी में बटुआ घर भूल आया हूँ। गुब्बारे पाकर बच्चे बहुत होंगे, क्या होंगे? आप क्या हो जाते हैं जब आपको गुब्बारे मिलते हैं? खुश। तो गुब्बारे पाकर बच्चे बहुत खुश होंगे। बच्चे प्यार से इन्हें पुकारते थे। क्या पुकारते थे? बच्चे प्यार से इन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। हैं वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएंगे। गुब्बारे वाला थककर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। जी हाँ बिल्कुल सही। गुब्बारे वाले का एक भी गुब्बारा नहीं बिका था। जी हाँ बिल्कुल सही। कार में बैठे व्यक्ति ने एक भी गुब्बारा नहीं लिया, बिल्कुल गलत। उन्होंने सारे गुब्बारे ले लिए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे गलत का निशान लगाया।
कार में बैठे व्यक्ति ने सारे गुब्बारे बच्चों में बांट दिए। जी हाँ, कार वाले आदमी को राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना गया। जी नहीं, कार में बैठे व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ना कि राजेंद्र प्रसाद। तो हमने यह सही या सही और गलत का निशान लगा दिया। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बूढ़े गुब्बारे वाले का मन क्यों दुखी था? दुखी क्यों था वह? वह इसलिए दुखी था क्योंकि उसके एक भी गुब्बारा उसका नहीं बिका था। बूढ़े गुब्बारे वाले के गुब्बारों को खरीदने वाला कौन था? उसको खरीदने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। बूढ़े ने सारे गुब्बारों की क्या कीमत बताई? बूढ़े ने सारे की गुब्बारों की कीमत मात्र 5 रुपये बताई थी। गुब्बारे वाले को अपने गुब्बारों की क्या कीमत मिली? उसको गुब्बारों की कीमत मिली 20 रुपये। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके साथ हमारा आज का पाठ समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए आभार।